9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ट्रांसपोर्ट नगर भूमि का कब्जा किसानों द्वारा नहीं छोड़ रहे थे। लगातार किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इधर शुक्रवार को सुबह बड़ी संख्या में भारी पुलिस बल पहुंचा और विरोध करने वाले महिला पुरुषों को सख्ती से हटाया गया। प्रशासन की कार्यवाही के विरोध में जेसीबी के सामने बैठी व लेट गई, लेकिन पुलिस से सख्ती दिखाते हुए महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। विरोध कर रहे लोगों के समर्थन कर रहे प्रदेश कांग्रेस महामंत्री प्रदीप चौधरी मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने धक्का देते हुए पुलिस वाहन में बिठाया। दरअसल प्रस्तावित रसूलपुर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि किसान प्रशासन को नहीं देना चाहते, जिसके लिए लंबे समय से किसान इसका विरोध कर रहे हैं। मामले में किसानों का कहना है कि आज की गाइडलाइन के अनुसार हमें मुआवजा दिया जाए तो हम भूमि का कब्जा छोड़ने को तैयार हैं। प्रशासन ने शुक्रवार को सख्ती दिखाई और विरोध करने वाले लोगों को मौके से हटा दिया। कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी भी किसानों के पक्ष में विरोध करने पहुंचे, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें भी गिरफ्तार कर महिला पुरुषों के साथ राजोदा जेल भेज दिया गया। देवास से ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। देखिए, ये ट्रांसपोर्ट नगर का बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी भूमि स्वामियों से, और लोगों को जो माननीय न्यायालय का निर्देश है उसके अनुक्रम में आज कार्रवाई की गई। माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि इसमें शीघ्र काम किया जाए और किसानों को जो भी भोजन की राशि उसका ब्याज से भुगतान किया जाए। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि किसान और भूमि स्वामी जो हैं अपने खातों की जानकारी दे दें, सर हम लोग उनके खातों में पैसा डालते हैं, लेकिन किसान यहाँ पर ना तो राशि लेना चाह रहे हैं और ना ही भूमि पर से कब्जा छोड़ना चाह रहे हैं। आज से 10 साल पहले ही ये भोजन हो चुका है और देवास विकास प्राधिकरण के नाम राज्य के रिकॉर्ड में ये भूमि है, और यहाँ पर अब माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय का निर्देश है कि योजना को शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए। तो न्यायालय के निर्देश के अनुक्रम में आज जिला प्रशासन, नगर निगम और देवास विकास प्राधिकरण की टीम ने यहाँ पर कार्रवाई करी और अब ठीक हो गया है, काम चालू कर दिया। सर विरोध का सामना भी करना पड़ा है? निश्चित रूप से कुछ लोग थे, लेकिन बहुत ही तेजी से जो है पुलिस और जिला प्रशासन गिरफ्तार करा और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ा है, क्योंकि हम पहले भी 3-4 बार आके संदेश दे चुके हैं, समय समय पर बातें कर चुके हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी अगर भूमि स्वामी नहीं समझ पा रहे तो हमें माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि हमें न्यायालय में भी जवाब देना होता है। वही जो आपने देखा जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है वैसे ही करेंगे, क्योंकि अदरवाइज कोर्ट कंटेम्प्ट लगेगा इन लोगों के खिलाफ और फिर उसमें ज़्यादा बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है सर, अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।